नमः संस्कृता। संस्कृत देवाली गंगा चैनल पर नीच शतक की व्याख्या चल रही है और नीच शतक में मूर्ख पद्धति की चल रही है। मूर्ख पद्धति में अभी तक हमने 5 श्लोकों तक पढ़ा और आज 6वां श्लोक है। मूर्ख के लक्षण बताए जा रहे हैं और इस श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा कि मूर्ख को सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पूरे श्लोक का भाव यही है कि मूर्खान प्रतिनेतुम इच्छति, कि मूर्ख को जो अच्छे मार्ग पर लाना चाहता है वह, और कैसे लाना चाहता है, सुक्तई, सुक्तों के द्वारा। तो इसकी व्याख्या अभी हम करते हैं, लेकिन चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, यह हर वीडियो में इसलिए कहा जाता है कि ना कहने पर तो आप करोगे नहीं, लेकिन कहते हैं शायद इसका फर्क आपको पड़ जाए। निःशुल्क सेवा है, आनंद लीजिए। और जब हम आपके लिए एक दो घंटे का समय देते हैं कि आपका उद्धार हो, सहायता मिले, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो ऑनलाइन क्लास को वहन नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह विशेष तौर पर बनाया जाता है। तो उनकी सहायता के लिए वीडियो को उनको ऐसे बच्चों तक पहुंचाए कि जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, बाहर नहीं जा सकती, घर के बंधनों में बंधी रहती हैं, तो ऐसे लोगों तक यह चैनल पहुंचे। तो इसमें हमें आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि उन तक आप पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि निःशुल्क सेवा के रूप में आपको एक एक वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडति छंद है। शार्दूल विक्रीडति का अर्थ होता है जैसे सिंह का छोटा सा बच्चा होता, जैसे वह उछल कूद करता है, उसी प्रकार से इसकी ध्वनि होती है। क्लियर हो गया? तो शार्दूल विक्रीडति छंद के हम लक्षण अंत में पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ बोलिए, व्यालम बाल मृणाल तंतु वीर सौ। बोलिए हमारे साथ, व्यालम बाल मृणाल तंतु वीर सौ, रोदुम समे जिम्बते भेतुम ब्रजमणिम शिरसि कुसुम, प्रांतेन संहते प्रांतेन संहते। एक बार हमारे साथ फिर से बोलिए, व्यालम ब्राल मृणाल तंतु भिरसौ, रोदुम समुजिम्भते भेतुम ब्रजमणि शिरसि कुसुम, प्रांतेन संहते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेरीहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात्। चढ़ा के बोलना है कि मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तये सुधास्यन्दवे सूक्तये सुधास्यन्दवे, सूर्यास्वैर यदि महस जौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। तो यह लक्षण है शार्दूल विक्रीडति छंद का कि सूर्यास्वैर यदि महस जौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। आवाज में थोड़ी सी चढ़ाव, जिसे सिंह का शावक होता है उसी तरह से यह उछल कूद करके ध्वनि निकलती है कि व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ, रोदुम समुजिम्बते भेतुम ब्रजमणि शिरसि कुसुम, प्रांतेन संहते। तो यहां पर बताया गया कि मूर्खान माने मूर्खों को, मूर्खान मूर्खों को, यह माने जो जो मूर्खों को प्रतिनेतुम इच्छति, अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता है या सतमार्ग पर ले जाना चाहता है, बलात् बलपूर्वक, बलात् माने बल से, किस बल से, सूक्तय सुधस्यान्दवे सूक्त रूपी अच्छे वचन रूपी
या अच्छे वचनों से, और वह वचन कैसे हैं, अमृत रूपी वचनों से। यदि कोई व्यक्ति, यह माने जो, माने कोई जो व्यक्ति है वह मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है। क्लियर हो गया अर्थ कि मूर्खान्य प्रतिनेत मिच्छति बलात्। कि कोई व्यक्ति है मूर्खान, मूर्खों को द्वितीय विभक्ति लगी है, कि मूर्खों को यह माने जो प्रतिनेतुम इच्छति, अच्छे रास्ते पर, सद्मार्ग पर, सच्चे रास्ते पर प्रतिनेतुम लाना चाहता है, या वापस उसे अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया या चलना सिखाना चाहता है। और किससे, तो दिया है बलात् सूक्तये सुदास्यन्द भी के बलपूर्वक, सूक्तये सुंदर वचनों से। और वह वचन क्या है, ऐसे वचन जिससे अमृत निकलता हो, अर्थात अपने अमृत रूपी सुंदर वचनों से जो कोई व्यक्ति मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है। तो यहाँ बताया गया कि मूर्ख को सन्मार्ग पर आप नहीं ला सकते, यदि लाने का प्रयास करोगे तो तीन कारण बताए उन्होंने, भर्तृहरि ने तीन कारण बताए कि व्यालम, अर्थात व्याल माने सर्प भी होता है, व्याल माने हाथी भी होता है, अर्थात व्यालम बाल मृणाल तंतु भिर रसौ। कहने का तात्पर्य है व्यालम माने दुष्ट हाथी को बाल मृणाल कमल नाल के तंतु माने छिलके से या उसके रेशे से रोदुम रूकता है। समोजिम्रते, अर्थात कोई व्यक्ति दुष्ट हाथी को या मतवाले हाथी को कमल नाल से बांधना चाहता है। समुच जिम्बते, बांधना चाहता है लेकिन वह हाथी नहीं रुकेगा। उसी तरह जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को आप सुंदर उक्तियों के द्वारा, अमृत रूपी वचनों के द्वारा सन्मार्ग पर लाना चाहते हो लेकिन वह सन्मार्ग पर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, कि जैसे कोई दुष्ट हाथी कमल नाल के रेशे से बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह सुंदर वचनों से मूर्ख व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। पहला उन्होंने उदाहरण दिया, दूसरा बताया कि भे तुम ब्रज माड़े से रस कुसुम प्रांते न संहते। भे तुम छेद, कहीं कहीं है आपको पाठ भेद मिलेगा छेद तुम भी होगा, भेद तुम भेदने के लिए, काटने के लिए ब्रजमणि हीरा या कठोर पत्थर, अर्थात ब्रजमणि को काटने के लिए सब तुम उन प्रत्यय लगा, भेद तुम रोदुम रोकने के लिए, भेद तुम भेदने के लिए काटने के लिए ब्रजमणि माने, ब्रज माने कठोर होता है, मणि माने पत्थर, कठोर पत्थर को काटने के लिए सिर से कुसुम प्रांतेन। कोई ऐसा व्यक्ति है कि वह मणि को अर्थात हीरे को सिरस के पुष्पों से काटना चाहता है, सिरस के पुष्पों से उसमें छेद करना चाहता है, असंभव है। सिरस का फूल बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए यहाँ पर भर्तृहरि ने कहा कि भेद तुम ब्रजमणि सिरस कुसुम प्रांते संहते। के यदि कोई व्यक्ति कठोर हीरे को या कठोर पत्थर को सिरस पुष्प से भेजना चाहता है लेकिन वह छेद नहीं पाता, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को सुधा रूपी अमृत वचनों से उसे अच्छे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। तीसरा उन्होंने बताया कि माधुर्यम मधु बिंदु न रचये तुम क्षारा अम्बुधे इहते। यहाँ पर अलग अलग शब्द हो गया, माधुर्यम मधुबिंदुना रचय तुम, माधुर्यम माने मीठा, मधुबिंदुना शहद की एक बूंद से रचय तुम रचना करना चाहता है। क्या रचना करना चाहता है, क्षारा अम्बुधे,
छारा माने नमकीन या क्षारीय, अम्बुधे माने समुद्र, समुद्र के छारे जल को अम्बुदे छाराम, अम्बुद के अथा समुद्र के छारेपन को, खारेपन को, मीठा माधुर्य माने मीठा, चाहे तू मीठा करना चाहता है, किसे करना चाहता है, तो दिया है मधुबिंदुना, मधु की एक बूंद से। कोई व्यक्ति है कि जो समुद्र के खारेपन को मधु की एक बूंद से माधुर्यम रचय तुम, मीठा करना चाहता है समुद्र को, लेकिन यह असंभव है। अगर एक चम्मच पानी समुद्र का होता, शायद एक बूंद डालते तो कुछ मीठा हो जाता, लेकिन यह असंभव कार्य है। इसीलिए भर्तृहरि ने तीन असंभव कार्य गिरा दिए, कि वह उसी समान है कि मूर्ख व्यक्ति को सुंदर वचनों के द्वारा सन्मार्ग पर लाना उसी प्रकार का प्रयास है जैसे खारे समुद्र को मधु की एक बूंद से मीठा बनाने का प्रयास करना। इहते माने प्रयास करना, इहते माने चाहता है। कोई व्यक्ति है खारे समुद्र को छाराम बुधे, इहते चाहता है, क्या चाहता है कि मधु के एक बूंद से मीठा बनाना चाहता है। और बताया कि मूर्खान प्रतिने तुम्हें क्षति बलात् सूक्त सुधा संदवे, कि जैसे मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने के लिए, यह माने जो जो मूर्ख व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, तो किससे, तो बलात् सूक्त सुधस्यान्दवे, अर्थात बलपूर्वक, अर्थात अपनी वाणियों से जबरदस्ती उसे जो है अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है उसी प्रकार लाएगा, लेकिन वह आएगा नहीं, प्रयास करेगा तो उसका प्रयास कैसे निरर्थक है, कि जैसे खारे समुद्र को एक मधु के शहद की बूंद से मीठा करना, मीठा नहीं होगा समुद्र, तो वह व्यर्थ है, तुम्हारा कार्य उसी तरह व्यर्थ हो जाएगा जैसे छारे समुद्र को एक बूंद से मीठा बनाना। तो यहाँ खारा समुद्र कौन है, मूर्ख है, और मधुबिंदुना क्या है, कि सूक्त सुधा संदवे है। ऊपर आ जाओ ब्रजमणि क्या है, आपका मूर्ख है, अर्थात बहुत कठोर होते हैं, इनके दिमाग में बात घुसती ही नहीं, इसीलिए कहा ब्रजमणि। और जो सूक्त सुधा संदवी है वह सिरस कुसुम है, कि आप कठोर पत्थर को सिरस के डंठलों से उसे काट नहीं सकते, करोगे प्रयास विफल हो जाएगा। उसी तरह इस मूर्ख व्यक्ति को सुंदर वचनों से समझाओगे, आपका समय और प्रयास व्यर्थ हो जाए, अच्छे रास्ते पर आ ही नहीं सकते। और पहले लाइन में बताया कि व्यालम बाल मृणाल तंतु वीर सौ, अर्थात कोई मतवाला हाथी है, उसे कमल नाल के रेशे से, कमल नाल के तंतुओं से रोधुम रोकने के लिए, बांधने के लिए, कोई मतवाले हाथी को, दुष्ट हाथी को कमल नाल के रेशे से बांध नहीं सकता, संब्रिंजम भते, अर्थात उसे बांध नहीं सकते हो। और ऐसा अगर कोई कार्य करेगा यह भी असंभव है, इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति को अमृत रूपी वचनों से समझाया नहीं जा सकता। ऐसा जो करेगा तो यह जो जो काम उन्होंने बताया कि इस प्रकार से भी तुम अगर रोकोगे तो भी वह रुकने वाला नहीं, सारे काम वह असंभव बताए, उसी तरह मूर्ख को भी सुंदर वचनों से समझाना भी व्यर्थ है। सीधा सा सीधा इसका अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना बहुत कठिन है। कठिनता बताई कि जैसे दुष्ट हाथी को कमलनाल से आप नहीं बांध सकते, ब्रजमणि को सिरिस फूल से नहीं काट सकते, और खारे समुद्र को एक शहद की बूंद से मीठा नहीं कर सकते, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को सत मार्ग पर या अच्छे मार्ग पर आप सुंदर वचनों के द्वारा नहीं ला सकते। क्लियर हो गया,
तो यह श्लोक की व्याख्या रही, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।